हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बढ़िया रेसिपी जो बहुत ही आसानी से झटपट बनकर रेडी हो जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अभी रमजान आने वाले हैं, आप इसे इफ्तारी के लिए बना सकते हैं, चाहे तो पार्टीज के लिए बना सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा, पसंद आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले ये हमने 3 बड़ी साइज के प्याज को इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया है, पतली साइज में, और एक हरी मिर्च ली है, इसको भी कट कर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसको अब हमें अच्छे से मसलते हुए मिक्स करना है। तो नमक को पहले से इस तरीके से प्याज में डालने से क्या है कि प्याज जो है वो थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगी और इसमें जो भी पानी होगा ना वो रिलीज हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसे 5 मिनट रेस्ट रखेंगे, तब तक आगे तैयार कर लेंगे। तो 5 मिनट बाद इसमें हम 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, तीखा आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, ये हमने 1 चम्मच साबुत धनिया को कूट लिया है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 2 चम्मच इसमें हम चावल का आटा ऐड करेंगे, 4 चम्मच इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। तो चावल का आटा अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर इसकी जगह पे आपको बेसन की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। चावल का आटा इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी फ्लेवर आएगा। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, 1/4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्रेश धनिया ऐड कर देंगे। साफ हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो नमक अब हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, पहले ही हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर चुके हैं। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, इसमें हमें पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी है। तो जैसे कि हमने कहा था कि प्याज का अपना पानी होता है, तो नमक डाल के हमने रखा था, तो जो प्याज का पानी रिलीज हुआ था उसी से ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपको पानी की जरूरत है तो थोड़ा सा पानी चम्मच से आप डाल सकते हो इसमें। अब हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, ये हमने 1 अंडे के 4 पीसेस कर लिए है इस तरीके से। अब ये थोड़ा सा हम मिश्रण लेंगे, इस तरीके से इसको फ्लैट कर लेंगे, अंडे का एक स्लाइस लेंगे और इसको हमें कवर कर लेना है। देखिए इस तरीके से सभी साइड से कवर करेंगे। जब ये मिश्रण हमारा थोड़ा कम लग रहा है, दूसरा लेके इसके ऊपर लगा देंगे। ध्यान रखें कि बस इसे हमें अच्छे से कवर करना है, कहीं से भी ओपन नहीं रहना चाहिए। तो देखिए इसको अच्छे से हमने कर लिया है, इसी तरीके से सारा बना लेंगे। तो ये तेल को हमने मीडियम गर्म कर लिया है, एक एक करके इनको डालेंगे। तो अभी इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। तो थोड़ी देर फ्राई होने पर अब इसको पलटेंगे। अब हमें गैस की फ्लेम को लो मीडियम पे कर देना है ताकि ये अंदर तक प्रॉपर अच्छे से फ्राई हो। तो देखिए बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन इसका कलर आ गया है। तो अब इसे हम ऑयल से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारे प्याज अंडा रोल बनकर रेडी हो गए हैं, देख सकते हैं, देखने में ही बहुत ही यम्मी लग रहे हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए आपको एक कट करके भी दिखाते हैं, तो बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। देखिए बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हुए हैं, अंदर तक अच्छे से कुक हो गए हैं। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसको इफ्तारी के लिए जरूर बनाएं और शाम की हल्की फुल्की भूख में भी इसको बना के खा सकते हैं, पार्टीज में भी इसे बना सकते हैं। तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, रेसिपी जरा से भी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटे भी क्लिक करना ना भूले। अब हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।